आज इस लेक्चर में मैं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी 4 को डिस्कस करूंगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप उसे देख लेंगे। तो देखें प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी कहता है इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ध्यान से देखें, मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टी को कैसे आप याद रखेंगे माइंड में। तो इसकी खासियत है कि इंटीग्रल का लोअर लिमिट जीरो रहेगा, अपर लिमिट ए है। तो लिमिट जीरो और ए को फिक्स रखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, तब वेरिएबल एक्स को चेंज कर देंगे। वेरिएबल एक्स की जगह लिखेंगे अपर लिमिट ए माइनस एक्स। देखिए इसी एक्स की जगह यहां लिख रहे हैं ए माइनस एक्स। तो वेरिएबल एक्स को आप चेंज कर देंगे अपर लिमिट ए माइनस एक्स से, बस यही मंत्र है। बहुत ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इंटीग्रल के जितने प्रॉपर्टीज हैं उसमें प्रॉब्लम बनाने में यूं तो सभी प्रॉपर्टी का यूज होता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी 4 का सबसे ज्यादा यूज होता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी पूछा गया है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए मैं इस पर डबल स्टार लगा देता हूं। अब इसका प्रूफ हम लोग देखें। साइड में जो आप डिफरेंट इंटीग्रल देख रहे हैं इसको कैपिटल आई से पहले डिनोट कर दें। तो लिखें लेट कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रल है उसको हमने कैपिटल आई मान लिया सुविधा के लिए। वी पुट, अब हम पुट करते हैं। देखिए इसमें चालाकी है, ये जो वेरिएबल एक्स है इसके जगह पुट करेंगे ए माइनस, यहीं ध्यान देना, ये वेरिएबल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे। तो यहां से देखें ए माइनस, ये जो एक्स देख रहे हैं ना इसके जगह वेरिएबल कोई दूसरा ले लें, जैसे हम ले लिया वाई या टी जेड यू, कोई भी अदर वेरिएबल एक्स के जगह आप यहां रख लेंगे। जैसे मैं यहां एक्स के जगह अदर वेरिएबल वाई रखा, यही टेक्निक, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो याद करने का एक तरीका है कि इस डिफरेंट इंटीग्रल को एवेल्युएट करने के लिए क्या मेथड है। तो जो वेरिएबल एक्स है उसके जगह रखेंगे यहां से ए माइनस, एक्स के जगह अदर वेरिएबल वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर डिफरेंशिएट करने पर एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आप जानते हैं एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका जीरो, और वाई का डिफरेंशियल डी वाई। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई। अब लिमिट चेंज करें हम लोग, तो डी एक्स है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए यह वैल्यू एक्स पर है, ऐसे समझना चाहिए।
आप x को अदर वेरिएबल y में रिप्लेस कर रहे हैं, तो x के कोरस्पॉन्डिंग y का लिमिट आपको पता लगाना होगा। तो लिखने का तरीका है ऑल्सो x इज इक्वल टू जीरो, ये इंप्लाइज, तो s के जगह जब जीरो देंगे तो y क्या होगा, आप यहां से पकड़ें, जब s के जगह जीरो रखेंगे तो y इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू a हो जाएगा, क्लियर। और s के जगह जब अपर लिमिट a रखेंगे तो s के जगह a रखें, तो देखिए a a कैंसिल हो गया, तो माइनस y इक्वल टू जीरो मतलब y इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम x के लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग y के लिमिट्स को हम एवेल्युएट कर लेते हैं, यही प्रोसेस है। इसीलिए i इक्वल टू इंटीग्रल, अब x जीरो है वहां y a है, ऐसे समझेंगे y का वैल्यू a है, और जहां x a है तो वहां y जीरो है। और f, और देखिए s के जगह आपने रखा था a माइनस वाई, तो s के जगह रख दीजिए a माइनस वाई, और dx तो dx की जगह माइनस dy, अब देखिए इक्वल टू इंटीग्रल a टू जीरो और ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस इंटीग्रल के बाहर आ गया, और f a माइनस y इंटू dy हो गया। आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी टू को बताए हैं, प्रॉपर्टी टू में क्या था कि यदि डिफरेंट इंटीग्रल की लिमिट को हम सेम रखते हैं और उसके साइन को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, लिमिट आपस में बदल जाता है। अभी ये माइनस है इंटीग्रल का साइन, यदि इसको हम प्लस करें, साइन चेंज कर रहे हैं, तो अपर लिमिट जीरो लोअर की जगह हो जाएगा और लोअर लिमिट है अपर की जगह, लिमिट आपस में चेंज कर जाए, एफ ए माइनस वाई डी वाई किससे हुआ, बाई प्रॉपर्टी टू, जो पढ़ा चुके हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी वन भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, प्रॉपर्टी वन क्या कहता है याद कीजिए, यदि लिमिट को आप फिक्स रखते हैं तो वेरिएबल को आप किसी भी अदर वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी वन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ए माइनस, यहां जो वेरिएबल वाई है इसको हम वेरिएबल एक्स से बदल दिया, यहां भी वाई को वेरिएबल एक्स से बदल दिया, ये हो गया बाय प्रॉपर्टी वन। अब देखिए इस इंटीग्रल को आप i माना था और ये लाना था, तो i इज इक्वल टू ये आ गया, इसीलिए i, i का मतलब इंटीग्रल जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स आई, आई का मतलब है ना, और आई का वैल्यू ये आया तो इसको लिख दिया जाए इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ये प्रूफ करना था, प्रूफ्ड।
तो प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लेक्चर में प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ दे दिया गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी 5 को डिस्कस करेंगे। यदि मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे।